હાલ વધતા જતા અપઘાતના બનાવોને રોકવાના પ્રયાસના ભાગરૂપે સિલ્વસના ટાઉન હોલમાં લાયન્સ ક્લબ દ્વારા લવ યુ જિંદગી નામનો એક વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં બ્રહ્મકુમારી સુરેખાબેન, ડોક્ટર પર્વતરાજ તાંબડે, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કેબી મહાજન તેમજ આર્ટ ઓફ લિવિંગના પ્રતિનિધિઓએ ખાસ ઉપસ્થિત રહી હકારાત્મક અભિગમ કેળવવા પર સમજણ આપી હતી અને કપરી પરિસ્થિતિઓમાં જિંદગી ટૂંકાવવાનું પગલું ક્યારે ભરવું ન જોઈએ તેમ સમજાવ્યું હતું. आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने इसी मकसद से रखा था कि किसी के भी विचार जीवन में मन में ये विचार ना आए कि मैं अपने जीवन को समाप्त करूं, ज़िंदगी एक सज़ा ना लेके मज़ा समझे और ज़िंदगी को प्यार करे. दूसरी बात है कि जब भी कोई इंसान समस्याओं में घिरता है तो वो समस्याओं को किसी से शेयर करें, आत्मचिंतन करें, पहले अपने आप की सोचें और पीछे परिवार की सोचें. लायंस क्लब ऑफ सिलवासा का इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही था कि सभी अपनी जीवन से प्यार करें और ये मैसेज स्प्रेड करें कि यहाँ अगर आज 400-500 लोगों सैकड़ों लोग आए तो वो आगे जाकर 5-10 लोगों में जब मैसेज स्प्रेड करेंगे कि इस तरह से करना है तो इस बात से अगर कुछ भी बेनिफिट मिलता है, एक या दो जिंदगियों को भी इस बात से फ़ायदा होता है तो हम समझेंगे कि लायंस क्लब ऑफ सिलवासा का ये मकसद पूरा हुआ.